शाहरुख खान के प्रति अगर इतनी इतनी नफरत है तो उसके लिए शाहरुख खान जिम्मेवार हैं, और वो इसलिए जिम्मेवार हैं कि शाहरुख ने, सैफ ने और आमिर ने एक बार कहा कि हमें भारत में डर लगता है, लेकिन जब लोगों के गले काटे गए नूपुर शर्मा के बाद तब उन्होंने एक बार नहीं कहा कि हमें डर लगता है। यानी कि उस समय ये चूक गए ये लोग, और इसका परिणाम है कि लोगों को लगता है कि ये कट्टरपंथियों के साथ देते हैं और कट्टरपंथी की गतिविधियों के समय पर उसका विरोध नहीं करते। इसके कारण लोगों का विश्वास और लोगों की श्रद्धा खो चुके हैं। तो सेंसर बोर्ड के हाथ में है, वो काट दें उसको गाने को। अब मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि ये जिनने दी है ये उनने कुछ सोच करके बोला होगा। शाहरुख खान के प्रति अगर इतनी इतनी नफरत है तो उसके लिए शाहरुख खान जिम्मेवार हैं, और वो इसलिए जिम्मेवार हैं कि शाहरुख ने, सैफ ने और आमिर ने एक बार कहा कि हमें भारत में डर लगता है, लेकिन जब लोगों के गले काटे गए नूपुर शर्मा के बाद तब उन्होंने एक बार नहीं कहा कि हमें डर लगता है। यानी कि उस समय ये चूक गए ये लोग, और इसका परिणाम है कि लोगों को लगता है कि ये कट्टरपंथियों के साथ देते हैं और कट्टरपंथी की गतिविधियों के समय पर उसका विरोध नहीं करते। इसके कारण लोगों का विश्वास और लोगों की श्रद्धा खो चुके हैं। तो सेंसर बोर्ड के हाथ में है, वो काट दें उसको गाने को। अब मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि ये जिनने दी है ये उनने कुछ सोच करके बोला होगा।